ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी लोग पुष्पों में जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे क्या होता है, पौधों में जो लैंगिक जनन अंग के बारे में हम अगर बात करते हैं तो पौधों में लैंगिक जनन अंग पुष्प को कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है हमको पहले ये जानना होगा कि पुष्प की संरचना कैसी होती है और उसके सभी भागों के बारे में जानना होगा। इसके पहले हमने पहले चैप्टर में जीवों में जनन में सभी बिंदुओं पर एक बार फोकस कर चुके हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उस प्रक्रिया में मेल और फीमेल बॉडी की ज़रूरत होती है। मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और पौधों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस प्रकार से होता है, क्या होता है, इसी के बारे में जानना है। तो प्रारंभिक बिंदु ये ध्यान में रखना है कि पौधों में जो जनन अंग होता है वो पुष्प में उपस्थित होता है, मेल और फीमेल पुष्प में उपस्थित होता है। अगर साधारणतः आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे तो एक क्वेश्चन बनता है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो इसका सीधा सा उत्तर है पुष्पों में पाया जाता है। आइए उदाहरण के तौर पे एक गुड़हल के पुष्प से हम इसके जनन अंगों के बारे में जानते हैं, कौन सा मेल होता है, कौन सा फीमेल होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि पुष्प को ही पौधे का जनन अंग कहा जाता है। और लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों को जानना है आपको। तो पुष्प की संरचना के बारे में हम पहले जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो संरचना के आधार पर अगर हम देखें, कार्य के आधार पर, तो इसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है सहायक अंग, क्या होता है, सहायक अंग, और दूसरा होता है मुख्य अंग। सहायक और अंग और मुख्य अंग। अब एक बार जो फिगर बना हुआ है उसके बारे में आपको समझा दिया जाए कि आप ये एक पूरे पुष्प की संरचना आपको दिखाई गई है, पूरे पुष्प की संरचना दिखाई गई है और आपके सामने पुष्प एक हम रखे हुए भी हैं, उसके बारे में एक क्रम से हम जानते हैं। आपको बताया गया कि दो भागों में बांटा गया, सहायक अंग और मुख्य अंग। सहायक अंग से नाम से स्पष्ट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कौन कौन से सहायक अंग होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने में या उसकी सुरक्षा करने में उसका सहयोग करते हैं। तो उसकी जब बात करते हैं, सहायक अंग की बात करते हैं, तो जो कैलिक्स और कैलिक्स कोरोला होता है उसे पुष्प का सहायक अंग कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये पुष्प आपको दिख रहा है, इसमें जो हरा पार्ट होता है, क्या होता है, हरा पार्ट होता है। आप जब पुष्प छोटा होता है तो उसको देखे होंगे कि कली की अवस्था में होता है, तो जितने भी पुष्प के अंग ये दिख रहे हैं ये एक हरे कलर के आवरण से ढके होते हैं। जो आवरण जब पुष्प खिल जाता है तो ये आवरण ये किनारे किनारे आपको दिख रहा है, ठीक, इसी को कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे सेपल भी लिखा है, सेपल के बारे में पहले समझते हैं कि जब भाई पुष्प है तो कई कैलिक्स होंगे। अब एक जैसे देखें, ध्यान देंगे कि यहाँ पर कैलिक्स की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6
कई होंगे, तो एक की जब हम बात करते हैं तो उसे सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और जब संयुक्त रूप में एक पुष्प के सभी सेपल की जब बात करते हैं तो उसे कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर हिंदी में अगर हम इसको जानते हैं तो पूरे जो आवरण, जो पूरा संयुक्त रूप में आवरण होता है उसे वाहदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहदल पुंज कहते हैं। और एक की अगर बात करते हैं तोड़कर, एक की एक ये तोड़कर हम बात करते हैं तो उसे सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक, इसके पहले जो आपका ये पुष्प, पूरा पुष्प जिसपे लगा होता है उसे थैलमस कहते हैं, पुष्पाशन कहते हैं। और ये डंठिलनुमा संरचना, ये आप देख रहे हैं डंठिलनुमा संरचना, इसे पेडिसिल कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। अर्थात ये आपका पेडिसिल हो गया, ये आपका जिस पे पुष्प पूरा टिका हुआ है उसमें पुष्पाशन। और आप ये हरा हरा कलर का जो दिख रहा है उसे आप क्या कहेंगे? सेपल कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कैलिक्स कहेंगे। संयुक्त रूप में पूरी की बात, पूरे सेपल की बात करते हैं तो कैलिक्स कहेंगे, नहीं तो एक की बात करते हैं तो सेपल कहेंगे। ठीक, जो सेपल का कार्य आपसे पूछा जाए तो आप जवाब देंगे कि हरे होने के कारण फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, प्रकाश संश्लेषण की भी काम करता है, और जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो शेष सभी पुष्प की सुरक्षा, सभी पुष्प के अंगों का सुरक्षा प्रदान करता है। आइए अब कैलिक्स कोरोला की बात करते हैं, पेटल की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से कैलिक्स संयुक्त रूप में वाहदल पुंज कैलिक्स, और अगर एक की बात करते हैं तो वाहदल सेपल कहते हैं, उसी तरीके से अगर हम एक की बात करते हैं, एक की बात करते हैं, सपोज एक दो तीन चार एक पाँच है, एक की बात करते हैं तो इसे पेटल कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको पेटल कहेंगे। और अगर सारे दलपुंज की दल की बात करते हैं तो उसे कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। हिंदी में अगर बात करते हैं तो एक की बात करते हैं तो दल कहेंगे, और अगर सभी की बात करते हैं तो हम दलपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? दलपुंज। तो क्लियर है, कैलिक्स कोरोला संयुक्त रूप में, और अगर सिंगल सिंगल बात करते हैं तो सेपल और पेटल, ये आपके सहायक अंग होंगे। कौन से क्या होंगे? सहायक अंग होंगे। तो आप का ये सभी जो हम तोड़ रहे हैं ये आपका सहायक अंग है, वो भी कोरोला है, दलपुंज है, ये दलपुंज है, ये हाइब्रिड है, इसीलिए नहीं तो आप गुड़हल का पुष्प देखे होंगे कि रेड कलर का होता है, और ये रंगीन होने के कारण परागण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? परागण में सहायता करते हैं, ये कीटों को आकर्षित करते हैं। और पुष्प का एक और करैक्टर है, पुष्प रंगीन और सुगंधित होने के कारण अन्य जगहों में भी काम होता है, मगर मेन फंक्शन है वो आपको जानना है। अब जो ये शेष बचा हुआ है ये मुख्य अंग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो प्रमुख अंग है उसके अंतर्गत आएंगे, और इसमें आप मेल और फीमेल के बारे में जानेंगे। आइए मेल के बारे में जानते हैं। एक मेल की संरचना यहाँ पर बनाया गया है, ठीक, जिसे पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर, या एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं, या स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। अब इस पूरे पुंकेसर में, पूरे एंड्रोसियम में आपका दो भाग होता है। क्या होता है? दो भाग होता है, एक आपका एंथर होता है, एक आपका फिलामेंट होता है। जो ये ऊपर ये आप एक हम काफ़ी छोटा होता है, इसी ये पीला पीला पार्ट जो दिख रहा है आपको, एक की एक तोड़कर, कैमरे से दिखेगा नहीं फिलहाल, एक तोड़कर बात करते हैं, ये पीला, ये ऊपर पीला पीला जो पार्ट है वो आपका एंथर है ते हैं, और ये धागे नुमा संरचना जो है वो फिलामेंट है, और ये संयुक्त रूप में इसको एंड्रोसियम या पुंकेसर कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नर जनन अंग। तो इन सभी पुंकेसरों को हम हटा दे रहे हैं, ये आपका जो भी पीला पीला है पार्ट है वो पुंकेसर का पार्ट है, जिसमें दो भाग होते हैं एंथर और फिलामेंट, इसे पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, सॉरी पॉलन सैक कहते हैं, पराकोष कहते हैं, और इसी पराकोष के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है, पराकण पाए जाते हैं। इसको हटा दिया जाए।
अब जो शेष जो भी भाग दिख रहे हैं आपको, ठीक है, उसे हम गायनोशियम कहते हैं या पिस्टल कहते हैं। ठीक, इसके ये आप जब ये देखेंगे, ये नीचे थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है और फिर नलीनुमा संरचना है, और ऊपर जो है ये थोड़ा सा चौड़ा हुआ है। तो ये आपका सबसे जो ऊपर वाला भाग पार्ट दिख रहा है, इसे हम स्टिग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहेंगे। जो नलीनुमा संरचना है उसे स्टाइल कहेंगे, और जो ये फुला हुआ नीचे पार्ट ये आपको दिख रहा है उसे ओवरी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे। और पूरे के संयुक्त रूप में आप गायनोशियम कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहेंगे। अब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, तो यहीं से परागकण पॉलन ग्रेन जो होता है वो वायु के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, जल के माध्यम से कहाँ तक आता है? वर्तिकाग्र तक आता है, मतलब स्टिग्मा तक आता है। इसकी हिंदी अगर बात करते हैं तो इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका अंडाशय। और इसी में बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक, तो आपकी ये संरचना हुई। और इसको अगर आप देखना चाहते हैं, स्पष्ट देखना चाहते हैं, इसको इसके कवर को हटाएंगे तो स्पष्ट आपको ये संरचना दिख जाएगी। तो एक बार आप लोग घर पे प्रयास करेंगे कि ये संरचना देखने का प्रयास करेंगे। स्त्री केसर, एक पुष्प लेंगे और पुष्प से सभी संरचनाओं को देखकर एक बार अध्ययन करेंगे। ये ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है स्टाइल होता है, और नीचे जो होता है, नीचे थोड़ा सा फूला हुआ जो पार्ट होता है उसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान देखेंगे, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसे स्टिग्मा, बीच वाला जो नलीनुमा संरचना होता है स्टाइल, और ये आपका नीचे जो है आपका ओवरी पाया जाता है। यही संरचना आपको यहाँ पर फिगर के द्वारा समझाया गया है। ठीक, सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, स्टिग्मा का काम होता है पॉलिनेशन की प्रक्रिया में जो पॉलन ग्रेन होता है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वर्तिका का काम होता है जो भी अंकुरित पॉलन ग्रेन होता है वो अंडाशय तक इसी नलिका के द्वारा पहुँचता है। ओवरी में आपका फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये आप इस दूसरे चैप्टर में एक पुष्प की संरचना के बारे में जाना। ठीक है, तो इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे तो ही आगे समझ में आएगा, नहीं तो हम बताते चले जाएंगे कि आपका ये नर जनन अंग में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में अभी डिटेल इसके बारे में अब अगले लेक्चर में बताया जाएगा। एक बार फिर से, अगर पुष्प पौधे में जननांग की बात करते हैं तो पुष्प को पौधे का जननांग कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, सहायक अंग, मुख्य अंग। सहायक अंग में आपका कैलिक्स कोरोला होता है। कैलिक्स मतलब आपका वाह दल जो हरे कलर का होता है, कली की अवस्था में सभी पुष्प की भागों का रक्षा करता है। और कोरोला मतलब पेटल, ये रंगीन होता है और परागण की प्प्रक्रिया में पुष्पों को, सॉरी, कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। ये सहायक अंग हो गए। मुख्य अंग में आपने पढ़ा एंडोशियम और गायनोशियम के बारे में पढ़ा। एंडोशियम में दो पार्ट, एंथर जिसको पॉलन सैक भी कहते हैं, इसी में पॉलन ग्रेन पाया जाता है, फिलामेंट जो तंतुनुमा संरचना होती है। स्टिग्मा, स्त्री केसर, गायनोशियम के बारे में सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, वर्तिकाग्र जिसको कहते हैं, बीच वाला जो नलीनुमा संरचना होती है उसे स्टाइल वर्तिका कहते हैं, जो फूला हुआ पार्ट होता है उसे अंडाशय कहते हैं। इसी अंडाशय में ओव्यूल पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। ठीक, तो आपने आज पुष्प के बारे में अध्ययन किया, तो आप देख रहे हैं, एक बार आप भी प्रयास करेंगे कि घर पर एक बार पुष्प लेंगे और सभी अंगों का को देखकर उसका नाम लिखने का प्रयास करेंगे।